नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। तो अपनी जो निशुल्क क्लासेस है वो अच्छे से चल रही है। बीच में कई बार अनावश्यक छोटा मोटा गैप आ जाता है, फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि नियमितता बनी रहे और रेगुलर क्लासेस चल रहे हैं। बिल्कुल पढ़े वैसे ही हमने पढ़ा जैसे, ये सेंटेंस मात्र सेंटेंस नहीं है, ये वास्तविकता है। और ये इस चीज़ को बताने के लिए है कि सिलेक्शन के लिए पढ़ना अलग होता है और विद्वता के लिए पढ़ना अलग होता है। क्लासेस का जो ये सिस्टम है, जो जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं वो बहुत बेस्ट है। इसकी इसका कैसे पता चलता है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट सेट स्कूल, सेकेंड ग्रेड, KVS, NVS, PGT, TGT सबके लिए, DSSB, UPPSC, MPPSC सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। कैसे पता चलता है, लगभग 5,000 से 7,000 स्टूडेंट आज जुड़ चुके हैं इन क्लासेस के लिए, रेगुलर क्लासेस देखते हैं। और ये सदाबहार क्लासेस, जब भी कोई साहित्य का कोर्स करना चाहेगा या आप किसी को सजेस्ट करेंगे तुझे साहित्य पढ़ना है खाली समय में, तो तू ये प्लेलिस्ट है और इसके एक एक वीडियो को आराम से देखना है। उसकी जिंदगी बदलने वाली क्लासेस हैं इस तरह की, जिनको कभी बार बार अपडेट न करना पड़े, एक बार में बहुत शानदार शॉर्ट नोट्स पढ़ा रहे हैं। और आपसे भी मेरा यही कहना है कि नियमित रहकर क्लासेस की तैयारी करें, क्योंकि नियमितता का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है इसके बारे में भी आपसे अगर मैं बताऊं तो देखो, आप में से बहुत से साथी स्टार्ट कर चुके हैं, वीडियो को फॉरवर्ड बिल्कुल ना करें, मेरी बात को ध्यान से सुने। आप जब परीक्षा के समय 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, वो सबसे बेकार समय माना जाता है। और आप लोग सोचोगे नहीं नहीं सर आप फालतू बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको रियल बता रहा हूँ। आप अगर परीक्षा में एक महीने 10-10 घंटे पढ़ो और वहीं आप पिछले एक साल से 1-1 घंटे पढ़ रहे हो, तो वो 1-1 घंटे पढ़ने वाले व्यक्ति का सिलेक्शन 101% श्योर कहा जा सकता है, जबकि उस 10-10 घंटे पढ़ने वाले का श्योर नहीं कहा जा सकता। दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, आप बोलेंगे अमेजन। अमेजन नदी का जहां से उद्गम होता है वहां से एक एक बूंद गिरती है, और एक एक बूंद के बीच में कहा जाता है कि 8 सेकंड का अंतर है। आप सोच के देखिए कि अमेजन नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी, जिसका जहां से उद्गम होता है वहां से जब वो गिरती है तो एक एक बूंद के रूप में गिर रही है। और कहते हैं कि एक बूंद से दूसरी बूंद के बीच में जो अंतर है 8 सेकंड का अंतर माना जाता है। सोच के देखिए, जहां से उसका उद्गम होता है वो बूंदों के रूप में गिरती है, और एक बूंद से दूसरी बूंद के बीच में 8 सेकंड का अंतर माना जाता है, फिर भी वो दुनिया की सबसे लंबी नदी कहलाती है। इसके पीछे पता है वास्तविकता क्या है, क्या रीजन है? वो रीजन सबसे बड़ा एक ही रीजन है, नियमितता। अनादि काल से उन बूंदों ने अपने 8 सेकंड का जो क्रम है वो कभी टूटने नहीं दिया, और आज वो दुनिया की सबसे लंबी नदी कहलाती है। जबकि कुछ नदी बहुत स्पीड से, तेजी से मतलब गिरती है और पहाड़ों से आती है एकदम मतलब हाहाकार मचाते हुए, लेकिन वो दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से नहीं है, न ही कोई ऐसी विशेष नदियों में से है। जबकि एक एक बूंद में गिरने वाली नदी आज दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही है। यही चीज को समझिए, आपको नियमित पढ़ना है, चाहे आप 30 मिनट रेगुलर पढ़ो, चाहे 1 घंटा रेगुलर पढ़ो, लेकिन नियमित पढ़ना है। अगर आप नियमित पढ़ोगे तो यकीन मानिए आप अपने घर वालों का और नाम रोशन करोगे ही करोगे, साथ में अपने भविष्य का निर्माण करोगे, और बहुत ही ज़्यादा जिंदगी बन जाएगी। छोटी सी जिंदगी है, जीने के लिए भी यही है और आजमाने के लिए भी यही है। कब तक इसे आजमाते रहोगे, जीने का समय भी आना चाहिए। इस बार नियमित रहकर तैयारी करो और सिलेक्शन अपने को लेना है। नौकरी में मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ केवल सिलेक्शन नौकरी के लिए नहीं, मैं ये पढ़ा रहा हूँ कि आप इससे इतना अच्छा बेस निर्माण कर लो कि कम से कम ये जो स्टूडेंट भटक रहे हैं, कम से कम उनको भी सही राय दे सको कि भाई तुझे किस तरह से पढ़ना चाहिए। आपको ये भी तो पता चलना चाहिए, नियमितता रखें। अमेजन ये उदाहरण जिंदगी में बहुत काम आएगा। चलिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म पढ़ते हैं। हमने जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ा, बढ़िया तरीके से हमने याद जो उनके जो काव्य संग्रह हैं उनको क्रम से याद किया है ना। आज हम निराला के काव्य संग्रह को भी क्रम से याद रखेंगे। जैसे हम इसके बाद जब क्लास लेंगे तब हम पढ़ेंगे पंत को, सुमित्रा नंदन पंत को पढ़ेंगे, तब उनकी आपको बताए वो तो सबसे मतलब टिपिकल कवियों मान जाते हैं, बहुत इजी हैं। जैसे उनकी सबसे पहले छायावादी रचनाएं पढ़ते हैं तो उच्छ्वास, ग्रंथी, वीणा, पल्लव, गुंजन है ना,
उच्छ्वास, उच्छ्वास 20 में है, ग्रंथि 20 में है, उच्छ्वास ग्रंथि, वीणा पल्लव 27, 28 और 32 में। प्रगतिवादी जब पढ़ते हैं युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, जब हम अरविंद दर्शन से प्रभावित पढ़ते हैं स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूली, नहीं पढ़ते युगांतर और युगपथ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो ये अब पंत तो अगली क्लास है, फिर भी मैं आपको रचनाएं कैसे बता रहा हूं, क्योंकि रचनाएं एक बार लिंक से सेट की जाती है और फिर आगे बढ़ा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सबसे पहले आप रचनाओं को पढ़े क्योंकि ज्यादातर प्रश्न यहीं से आते हैं। अनामिका 1923, इसके दो संस्करण है। तो यहां से पहला प्रश्न बन गया कि सूर्यकांत त्रिपाठी की रचनाएं जो है अ से स्टार्ट होती है, अ से अनार नहीं होता, याद रखना। सूर्यकांत त्रिपाठी ने जीवन में सिखाया अ से अनामिका होती है, और दो 1923 यानी इसमें दो संस्करण हैं, 1923 दो संस्करण में लिखी गई थी। इसके अलावा जैसे इनकी परिमल रचना है 1930 की रचना है, कहते हैं कि परिमल में छायावाद के साथ साथ प्रगतिवाद के तत्व भी विद्यमान है। अब यहां से मैं आपको लिंक करके बताता हूं, सुमित्रानंदन पंत की युगांत रचना में छायावाद के अंत के साथ साथ प्रगतिवाद के तत्व भी विद्यमान दिखाई देते हैं, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की परिमल रचना में छायावाद के साथ साथ प्रगतिवाद के तत्व भी जो है वो दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉमन आ गया ना, युगांत जैसी ही रचना है परिमल। गीतिका जो इनकी रचना है इसमें अपनी भावनाओं को संगीत के स्वरों में प्रस्तुत किया है। गीतिका ये है क्या, गीत ही है एक तरह से, यानी अपनी फीलिंग्स को गीतों में पोने का काम जो है, पिरोने का काम जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया है। ये वो सन है गीतिका, सोच के देखिए जब जिस सन में मुंशी प्रेमचंद का निधन होता है उस सन में जो है निराला गीत गाते हैं, ये कैसी विडंबना है। लेकिन कहा जा सकता है ये शोक गीत थे, है ना, तो अपनी भावनाओं को पिरोया, और निराला की भावनाएं श्रृंगारिक हो सकती है जिसने जीवन में मृत्यु से साक्षात्कार किया हो, जिसने जीवन के हर पड़ाव पर एक मृत्यु देखी हो, कभी उसके माता, कभी पिता, कभी चाचा, कभी भाई, कभी पत्नी, कभी बेटा, कभी अंत में सरोज। तो जिसने अपने जीवन में मृत्यु से साक्षात्कार किया हो उसके जीवन में अच्छे सुंदर गीत नहीं हो सकते, शोक गीत हो सकते हैं। तो जब 1880 में जन्म लेने वाला व्यक्ति मुंशी प्रेमचंद 1936 में निधन होता है, उस सन में 1936 में निराला गीत गाते हैं, बड़ी विडंबना है। तो इनकी और रचनाएं हैं तुलसीदास कुकुरमुता, आगे जस्ट नीचे बता दिया मैंने कुकुरमुता आगे क्या, बेला और नए पत्ते, अर्चना, सरोज स्मृति जो 1935 की रचना है। ये वो समय था जब कामायनी लिखी जा रही थी, एक तरफ कामायनी जयशंकर प्रसाद लिख रहे थे, दूसरी तरफ जो निराला सरोज स्मृति लिख रहे थे। मैं पिछले ऑफलाइन बैच में जब पढ़ाता था तब मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को ये कहा, मैंने कहा दो तीन सन ऐसे हैं इतिहास में हिंदी साहित्य के अंदर, मतलब उस सन के दौरान कई कवियों ने उस सन में श्रेष्ठ रचनाएं लिखी है, उनमें से एक सन है 1935। इस सन में कई लोगों ने श्रेष्ठ रचनाएं लिखी है, जिसमें आप देख लीजिए, एक तो कामायनी आ गई, एक सरोज स्मृति आ गई, आगे और भी मैं आपको बताऊंगा। तो अर्चना सरोज स्मृति 1935 की रचना है और गीतिका 1936 की रचना। अब सोच के देखना 1935 में जब सरोज भी इनके जीवन से चली गई, तब जब व्यक्ति गीत गा रहा है क्या वो गीत कभी भी सुंदर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तुलसीदास कुकुरमुता, बेला और नए पत्ते, अर्चना सरोज स्मृति, है ना, उसके बाद तुलसीदास, ठीक है कुकुरमुता मैं आगे बताऊंगा, इनके इनमें भी थोड़ा बहुत कुछ बताऊंगा। कुकुरमुता कविता में जो कुकुरमुता है वो मजदूर वर्ग का प्रतीक माना जाता है, और गुलाब जो है वो पूंजीपति वर्ग का प्रतीक माना जाता है। कुकुरमुता में गुलाब है पूंजीपति वर्ग का है, और कुकुरमुता जो है वो मजदूर वर्ग का प्रतीक माना जाता है। निराला के नाम से पहले महाप्राण शब्द लगता है, आप जानते हैं, और सबसे पहले महाप्राण जो शब्द लगा था वो किसने लगाया था, गंगा प्रसाद पांडे ने सबसे पहले इनके आगे महाप्राण शब्द प्रयुक्त किया था। एक कविता है भारत माता की वंदना, भारत माता की वंदना, राम विलास शर्मा इसे इनकी प्रथम कविता मानते हैं। कौन मानते हैं मैं बता देता हूं, एक व्यक्ति विशेष है राम विलास शर्मा, ऐसा नहीं है सारों, राम विलास शर्मा भारत माता की वंदना को निराला के पहली प्रकाशित रचना मानते हैं, ठीक है, प्रथम कविता याद रखना, पहली प्रकाशित रचना
यानी सबसे पहले प्रकाशित कौन सी हुई थी। देखो अंतर होता है, अंतर होता है इस बात, जूही के कली आ जाए और भारत माता की वंदना आ जाए, प्रकाशित ही, उसे तो प्रकाशित करने से मना ही कर दिया था एक बार सरस्वती पत्रिका में, तो प्रकाशित जो रचना है वो यही है। इसके अलावा जैसे हमने पढ़ा महाप्राण, लेकिन निराला को आपको बता दूं, निराला को साहित्य में, निराला को साहित्य में श्लाका पुरुष भी कहा जाता है, श्लाका पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, श्लाका पुरुष के रूप में जाना जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है निराला। जैसे नागार्जुन के बारे में हम पढ़ेंगे ढक्कन, वैसे ही निराला हैं और काफी प्रसिद्ध हैं। इनको पहले ये लाइन पढ़ लेते हैं, निराला मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, मुक्तक छंद मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, और निराला के इस मुक्त छंद को कुछ विद्वानों ने केंचुआ छंद या रबर छंद के नाम से भी पुकारा है। तो सीधा सा है, रबर छंद या केंचुआ छंद किसे कहा जाता है, मुक्त छंद को कहा जाता है, और मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है, वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, है ना। इनको ओज, ओदात्य और विद्रोह का कवि कहा जाता है, ओज ओदात्य और विद्रोह का कवि, क्यों न कहा जाए ओज ओदात्य और विद्रोह का कवि जो है, क्यों न कहा जाए, क्योंकि क्योंकि जिसके जीवन में दुख ही दुख हो उसे दुख उसे उसके मतलब उसे गुस्सा तो आएगा, क्रोध तो आएगा, ओज ओदात्य और विद्रोह तो उसके जीवन में हो गए होगा। इसके अलावा जैसे उनकी रचना है अणिमा, क्या रचना है अणिमा, अणिमा रचना इनकी भक्ति से संबंधित मानी जाती है, भक्ति से संबंधित मानी जाती, ये भी याद रखना, नोट करें, ये चीजें शायद नोट्स में नहीं लिखी हुई है, अणिमा को इनकी भक्ति से संबंधित रचना मानी जाती है, और निराला को साहित्य में श्लाका पुरुष नाम से भी पुकारा गया है, इसको भी आप याद जरूर जरूर रखें, ठीक है ना। और जैसे इनकी कविता आपने सुनी होगी, तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पर, उसमें गरीबी का चित्रण है, और यह बताया है निराला ने कि गरीबी जो है वो राष्ट्रीय समस्या है साहब, गरीबी किस प्रकार की समस्या है, राष्ट्रीय समस्या है गरीबी, तोड़ती पत्थर आपने सुनी होगी ये कविता। निराला ने परिमल की भूमिका में मुक्त छंद पर गंभीरता से विचार किया। अब निराला परिमल की भूमिका में विचार करते हैं, सुमित्रा नंदन पंत पल्लव की भूमिका में छंद अलंकार इनसे संबंधित बातें करते हैं, और इसीलिए पल्लव की 40 पृष्ठों की उस भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है, आगे हम पढ़ेंगे, आपको पंत की क्लास तो मिलेगी। तब निराला ने मतवाला और समन्वय पत्रों का संपादन किया था, सुमित्रा नंदन पंत ने रूपा पत्रिका का संपादन किया था। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, एक सबसे बड़ी चीज बता दूं, जिन्होंने भी हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज ले रखी है उनको बता दूं, मैंने शेड्यूल तैयार कर लिया है आपके जो टेस्ट के टॉपिक हैं, इस प्रकार से आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। मैंने कहा ना इस बार मुझे समय मिल गया, पिछली बार मैं थोड़ा पिछड़ गया था क्योंकि मैंने कईयों पर भरोसा किया और काम उस हिसाब से हुआ नहीं था, तो मुझे कई बच्चों के सामने शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी क्योंकि मैं अच्छा देना चाहता था, दे नहीं पाया, तो मैंने सॉरी भी बोलने में, क्योंकि एक कहा भी जाता है कि औरों के कंधों पे जनाजे उठा करते हैं, जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, औरों के कंधों पे जनाजे उठा करते हैं, जिंदगी जिंदा दली का नाम है, मुर्दे क्या खाक जीते, वही बात है कि आप काम कर रहे हो, आपको ही करना है, आपको ही करना है। और एक चीज और बताता हूं, समय रहते जब समय हो ना सदुपयोग कीजिए, संसार में सब कुछ वापस मिल सकते हैं, समय दोबारा लौट के नहीं आएगा, ये याद रखना। और बढ़िया तरीके से अपने आप को, कवि गंग का एक छंद है कि संगति पर, मैं बताता हूं संगति पर कि जीवन में कौन सी चीजें कैसे घटती है, हालांकि उन्होंने एक छंद बताया घटती है और एक बढ़ती है, तो उन्होंने इस प्रकार से बताया कि ज्ञान घटे नर मूड की संगत, ध्यान घटे बिन धीरज आए, ज्ञान घटे नर मूड की संगत, ध्यान घटे बिन धीरज आए, प्रीत घटे परदेश बसे, अरुमान घटे नित ही नित जाए, सोच घटे कोई साधु की संगत, रोग घटे कछु औषध खाए, गंग कहे
गंग कहे सुनी साही अकबर, गंग कहे सुनी साही अकबर, पाप घटे गुण गोविंद गाए। तो ठीक इसी तरह से आप बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हमारी गलत संगति के कारण जो है वो घट जाती है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो बुरी चीजें होती है वो अच्छी संगति के कारण घट जाती है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो कुछ अच्छी संगति के कारण घट जाती है। ऐसे ही बहुत सी चीजें बढ़ती भी है, बढ़ने वाली चीजें भी मैं आपको बताता हूं। जैसे वो बढ़ने में बताता कि भाई ज्ञान, अभी हमने पढ़ा ज्ञान घटे नर मूड की संगत ध्यान घटे बिन धीरज आए। तो ज्ञान कैसे घटता है, लेकिन ज्ञान बढ़ता कैसे, इसका उत्तर भी कवि गंग देते हैं। कैसे देते हैं कि ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत ध्यान बढ़े तपसी संग कीना, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत ध्यान बढ़े तपसी संग कीना, मोह बढ़े परिवार की संगत काम बढ़े तिरिया संग कीना। मोह बढ़े परिवार की संगत और सॉरी मोह बड़े परिवार की संगत काम बड़े तेरिया संग कीना, क्रोध बड़े नरमूड की संगत, क्रोध बड़े नरमूड की संगत और लोभ बड़े, लोभ बड़े धन पे चित कीना। लोभ कब बढ़ता है, जब धन पे। लोभ बड़े धन में चित कीना और बुद्धि विवेक विचार बड़े कवि गंग कहे सज्जन संग कीना, बुद्धि विवेक विचार बड़े कवि गंग कहे सज्जन संग कीना। तो जब सज्जन की संगति कर लेते हैं, अच्छे व्यक्ति की संगति कर लेते हैं, तब जाके ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, विवेक बढ़ता है, विचार बढ़ते हैं। आप लोग अच्छी संगति करें, और अच्छी संगति कैसे करें, आपको महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे महसूस नहीं होता मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऑफलाइन ही पढ़ा रहा हूं। और इस बार मेरा विचार जो है वो बहुत अच्छे हैं, इरादे अच्छे हैं, देखते हैं ईश्वर क्या साथ देता है, कि मैं चाहता हूं कि वैकेंसी से पहले पहले एक बार आपको ऑनलाइन सिलेबस करवा दूं कंप्लीट, और उसके बाद में जो है फर्स्ट पेपर को भी मैं, फर्स्ट ग्रेड को फर्स्ट पेपर जो है उसके लिए भी मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर आऊँगा और आपको डेली टॉपिक दूंगा और कहां से पढ़ना है उसके बारे में आपको बताएंगे, किताबें सजेस्ट करेंगे और प्रैक्टिस करवानी। और लास्ट में ये विचार है कि अगर हिंदी की बढ़िया तैयारी हो जाती है, आप कंटिन्यू जुड़े रहते हो रेगुलर, चाहे वो नेट वगैरह कोई सा भी पहला एग्जाम जो भी आया, उसके बाद जैसे परीक्षा से डेढ़ महीने पहले, परीक्षा से डेढ़ महीने पहले, उस डेढ़ महीने पहले में आपके लिए कुछ स्पेशल जो है, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगी वो, उनके लिए एक ऐसी योजना है जिससे उनका सिलेक्शन में यूं कह सकते हैं कि अगर उनका सिलेक्शन अभी 50-50 है ना, कि भैया 50-50 है, हो सकता है नहीं भी हो सकता, ये 50% हो सकता वाला 80% संभावना हो जाएगी, ऐसी योजना है। इस तरीके से तैयारी, क्योंकि पढ़ाया हुआ मेरा खुद है और इसी को कैसे रिवीजन कराना है, कैसे प्रैक्टिस करवानी है, कहाँ आप कौन सी चूक कर रहे हो, उन पर आप कहाँ बैठे हो, मैं कहाँ बैठा हूँ, फिर भी मैं आपके मन की और आपके दिमाग की बात पढ़कर ऐसी चीज़ आपको करवाऊँगा। तो योजनाएं पे योजनाएं चल रही है, शेड्यूल आपका मैंने तैयार कर दिया है व्याकरण का और साहित्यकार काव्य शास्त्र का, तो शेड्यूल आपको जो बहुत जल्द हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। नोट्स आप सबको मिल चुके हैं, बाय चांस किसी के प्रिंट नहीं निकल रहे हो तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर दें, व्हाट्सअप मैसेज आप जानते हैं 70-23-92-97-87 इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दें और रिसिप्ट भेज दें कि सर हमने टेस्ट सीरीज ली, नोट्स नहीं प्रिंट हो रहे, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, कोई ना कोई मोबाइल में सेटिंग गड़बड़ होती है, तो नंबर एक बात। दूसरी बात यह कि टेस्ट सीरीज जरूर लें, क्योंकि विज्ञप्ति आने के बाद में जो है फिर इसका मूल्य बढ़ जाएगा। अभी आप सोचोगे नहीं सर छूट, मैंने पहले भी कहा था छूट देने का मतलब है जिन्होंने पहले विचारों ने ले लिए उनके साथ धोखा, और मैं ये धोखा नहीं हूँगा। इस बार चाहे एक जना लो तो भी मैं उतनी मेहनत करूंगा, चाहे सौ जने लो तो भी उतनी। तो आप समय ना गवाएं और क्लासेस को देख देख के जल्दी से जल्दी लेवें, क्यों बाद में फिर जब मूल्य बढ़ेगा फिर आप कहोगे सर छूट दो, मैं पहले मेरी ये दिक्कत थी, वो दिक्कत नहीं मानी जाएगी। कहीं कहीं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हाँ, मैं बता रहा था मैंने टेस्ट सीरीज किस हिसाब से बनाई, आपको एक छोटा सा नमूना बता देता हूँ, हालांकि मैं सिलेबस एक दो दिन में आपसे शेयर करूँगा। आदिकाल इस प्रकार से है, तो आदिकाल में तीन टेस्ट तैयार किए हैं। जैसे सबसे पहले जो टेस्ट होगा वो साहित्य का इतिहास, इतिहास काल विभाजन, काल विभाजन और इतिहास काल विभाजन, ठीक है, और प्रवृत्तियां, इस प्रकार से एक टेस्ट हो गया। फिर दूसरा जो टेस्ट होगा वो आपका जो प्रमुख कवि, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, तो उस में यूं मान लीजिए आप इसमें इसमें आपके रासो, नाथ, सिद्ध, ये सारा सारी चीज़ हो जाएगी। क्योंकि ये आप कहोगे सर ये छोटा पार्ट है, छोटा नहीं है, ये एक ऐसा पार्ट है जो गलती करवाता है, इसलिए इसको अलग रखा है इस बार।
फिर प्रमुख कवि वगैरह, फिर ये रासों में क्या है, बिसल देव रासों में क्या, इनमें तो समझा हुआ अगर है ना तो उसको एक बार रिवीजन करने की आवश्यकता है। बाकी अब नाथ में सिर्फ गोरखनाथ के अलावा कौन सी रचना पढ़नी पड़ती है, उसकी प्रवृत्तियों पे ध्यान देना पड़ता है, तो प्रवृत्तियां तो हम यहीं ध्यान दे लेंगे। फिर एक जो होगा वो पूरे आदिकाल का टेस्ट हो जाएगा। इस प्रकार से मतलब एक एक काल को तीन तीन भागों में डिवाइड करके आपको टुकड़ों में तैयारी करवानी है, ताकि कितनी भी वैकेंसी आए मैं नहीं जानता, लेकिन 1000 प्लस सिलेक्शन निकलने चाहिए इस चैनल से, तब जाकर यहां संतुष्टि मिलेगी। मेरा प्रयास पहली प्रायोरिटी देता हूं। आप कहते हो ना सर टाइम मिलता है तो क्लास ले लेते हैं, नहीं, मैं पहले क्लास देता हूं, टाइम मिलता है तो दूसरे काम करता हूं। मैं सफल होऊंगा मुझे विश्वास है, आप होगे, आपको विश्वास होना चाहिए कि आप नियमित ले रहे हो नहीं ले रहे हो, प्रायोरिटी दे रहे हो नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो मतवाला और समन्वय नामक पत्रों का संपादन किया था, वहां पर पंत ने रूपा पत्रिका का संपादन किया था। राम की शक्ति पूजा इनकी एक ऐसी कविता है जो लंबी कविता की श्रेणी में आती है, जो अनामिका में संकलित है। अनामिका को अभी हमने पढ़ा था, दो संस्करणों में है, और दो जो अन्य अत्यंत ओजपूर्ण एवं प्रभावशाली है, कहते हैं राम की शक्ति पूजा में जो ऐसा लगता है जैसे राम के माध्यम से निराला अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। निराला की जो तुलसीदास कविता है उसमें भारतीय परंपरा के गौरवशाली मूल्यों का वर्णन किया गया है, कि भारतीय परंपरा के जो गौरवशाली मूल्य है उसका वर्णन किया। आप लोग जानते भी हैं कि तुलसी जो है ना, तुलसी के प्रिय हैं राम, और तुलसी किसका प्रिय है, निराला का, और निराला किसका प्रिय है, राम विलास शर्मा का है। क्यों? क्योंकि राम विलास शर्मा ने एक रचना लिखी थी, आप जानते हैं क्या लिखी थी, निराला की साहित्य साधना लिखी थी कि नहीं लिखी थी, साहित्य साधना। तुलसी के प्रिय राम, तुलसी निराला का प्रिय, निराला राम विलास शर्मा के प्रिय। तो तुलसीदास में काव्य में भारतीय परंपरा के गौरवशाली मूल्यों का वर्णन करते हैं, कौन करते हैं, निराला करते हैं। निराला की कविताओं में उनके व्यक्तिगत जीवन का सत्य भी अभिव्यक्त हुआ है। ये बात मैं हर वीडियो में बोलता रहता हूं कि निराला की कविताओं में उनके व्यक्तिगत जीवन का सत्य भी अभिव्यक्त हुआ है, उनके व्यक्तिगत जीवन का सत्य भी अभिव्यक्त हुआ है। निराला ओज और औदात्य के कवि हैं राम विलास शर्मा। राम अभी जो मैंने बढ़ाया कि ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि मान जाते हैं, ये बात कही किसने है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल मैं जो पढ़ता हूं ना, मैं खुद पढ़ पढ़ के आपको क्यों पढ़ाता हूं, नई चीजें क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि आज तक जब मैं पढ़ता था तब ये चीजें मुझे पता थी कि ओज औदात्य के कवि हैं, या फिर जो है फलानी रचना है उसे ये कहा जाता है, वो कहा जाता है, लेकिन उनको कहा किसने था ये पता नहीं होता था। अब इनकी खोज, इसीलिए आजकल ये चीजें मिल जाती है और बहुत बढ़िया लगता है। निराला की जो भाषा है वो कैसी है, संस्कृत निष्ठ, समास बहुल और गेयता से युक्त है, गेयता से बिल्कुल गाने के लायक भाषा है, ये आप मान के चलें। जैसे इनकी एक रचना है आपको बताऊं, पंचवटी प्रसंग, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, पंचवटी प्रसंग सुन रखा होगा, पंचवटी प्रसंग कहते हैं, ये रचना अद्वैतवाद से प्रभावित है। अब ये बात कितनी छोटी सी है, अब मान लो एग्जाम में छप जाए, तो जो लोग कहते हैं ना सिर्फ सर आपके नोट्स दे दो हम तो उससे पढ़ लेंगे, क्लासेस हम नहीं ले सकते, ओ नहीं ले सकते मत लो, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि पंचवटी प्रसंग अद्वैतवाद से प्रभावित है, तो सर आप ये नोट्स में पहले ऐड क्यों नहीं किया, ये अपडेट करके फिर ही दे देते, ऐसे आप अरे पांचों उंगलियां समान नहीं मेरे पास, ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं भाई साहब, पूछो ही मत, गजब सर क्लासेस तो मैं ले नहीं सकता, नोट्स दे दो, टेस्ट तो मैं लूंगा नहीं, आप तो नोट्स भेज दो हम प्रिंट निकलवा लूंगा, यार मुझ पे एहसान थोड़ी कर रहे हो। लेकिन आप लोग जो हो ना, जो आप रेगुलर क्लासेस देख रहे हो, मैं आपसे कहता हूं ईश्वर हर, ये मारवाड़ी में कहावत है, ये शाम की जो क्लास होती है त्रिकाल संध्या कहते हैं कि इसमें सरस्वती जुबान पे बैठती है। मैं ये अब प्रार्थना करता हूं कि जो नियमित क्लासेस लेने वाला है, मेरी पिछली थर्ड ग्रेड क्लासेस में मैं वो सब बोला करता था कि जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है ईश्वर उसको सिलेक्शन दे, ईश्वर उसको निराश ना करे, और ये सबूत दे कि हाँ तूने मेहनत की, और आज तक का रिकॉर्ड है, मैं भी कई बार असफल हुआ था 16 से पहले, लगभग 8-10 एग्जाम में फाइनल मेरिट में रहा था, जैसे पुलिस है SI है उनमें, तब असफल जब मैं होता था तो मैं कभी भी ईश्वर को दोष नहीं, माता पिता को दोष नहीं, बल्कि ये चीज कि कहीं ना कहीं अपन ने चूक रख दी, कोई चीज ऐसी थी, कोई टॉपिक ऐसे थे जो पढ़े नहीं, 100% सिलेबस नहीं किया, ये चीजें, तो आप दोष न दें, बल्कि अब जो रेगुलर पढ़ रहे हैं इनका फायदा आपको मिलेगा। पंचवटी प्रसंग अद्वैतवाद से प्रभावित है, जबकि इनकी अणिमा रचना जो है अभी हमने पढ़ी थी भक्ति से संबंधित रचना है, किससे संबंधित है,
भक्ति से संबंधित रचना है। ये भी आप अणिमा के बारे में विशेष ध्यान रखें, है ना। आपको एक खास बात बताता हूं, क्या खास बात बताता हूं, आप कहोगे सर्वास्तव में जो कॉलेज लेक्चर की अभी अगर कोई तैयारी कर रहा है तो वो कहेगा सर मजा आ गया, और ये जो मजा है वो मैं सारे हिंदुस्तान को देना चाहता हूं। चलिए, ये जो गीतिका है ना, छप जाएगा ना प्रश्न, उस दिन तुम्हारे सही होगा। गीतिका की भूमिका किसने लिखी थी याद है, पता है किसी को? जयशंकर प्रसाद ने। गीतिका की भूमिका लिखी थी जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी गीतिका की भूमिका। अब सोचो, मुझे कभी नहीं पता थी इससे पहले, लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि गीतिका की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी। ये चीजें जो है ना, ये हर किसी के पास नहीं मिलती, है ना। और ये हो गया तुलसी रामविलास शर्मा वगैरह, ये हो गया, है ना। ठीक है, एक चीज और, हाँ, जैसे ये क्या है, बेला, बेला रचना क्या है? गजलों का संग्रह। ये लो, ये भी आपको नहीं पता था, क्या है? गजलों, मैं गलत बोल रहा था, गजल बोला जाता है इसे, गजलों का जो है, इनकी जो विशेष गजलें हैं उनका संग्रह है, समझ गए, गजलों का संग्रह मानी जाती है, है कि नहीं है। इसके अलावा और एक इनकी कविता है, यहीं पे लिखूंगा मैं, कहां पे लिखूंगा, हाँ यहां पे एक कविता है, मैं और तू, ये इनकी निर्गुण विचारधारा से प्रभावित रचना मानी जाती है। मैं और तू, जहां जहां मुझे लगेगा कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो चीज सारी बता दूंगा। और सारी चीजें क्यों मैंने नहीं लिखी, इसलिए नहीं लिखी, पहली तो कुछ स्टूडेंट क्लास नहीं लेते, ये आदत होती है। दूसरा ये कारण कि कुछ चीजें आप जब लिखोगे ना, लाइन टू लाइन पढ़ लोगे एक बार मेरे साथ में, कुछ चीजें आप लिखोगे तो उससे आपको ऐसा लगेगा नोट्स आपके खुद के बनाए हुए हैं, और रिविजन में कितनी आसानी होगी। आज आप लोग कमेंट जो है नहीं कर पा रहे हो कोई कारण से, कुछ लोग नहीं करते हैं, बाकी देखते क्लास रेगुलर है, तो आज जो क्लास कंटिन्यू है, समझ रहे हो मेरी बात, आज जो क्लास जब रिवीजन करोगे उस दिन आप खुद कमेंट करोगे सर वास्तव में रिवीजन करने में हमें आधे से भी कम समय लगा, ये आज कह रहा हूं, आप याद रखिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अश्लीलता का आरोप लगाकर सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करने से मना कर दिया था किसको? जूही की कली को। जो जूही की कली रचना है उसको, ये मैंने आपको बात पिछली क्लास में बता दी थी। कुछ विद्वान जूही की कली के प्रकाशन को 1916 से छायावाद का प्रारंभ मानते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि जो है जूही की कली से छायावाद का प्रारंभ होता है, कुछ विद्वान, सर्वमान्य रूप से नहीं। कुकुरमुता जो कविता है उसके बारे में लिख दिया हमने। सर्वहारा जो वर्ग है उसकी प्रशंसा व धनवानों की जो है निंदा की गई है, ठीक है। और गुलाब का प्रतीक वगैरह है, ये भी हमने पढ़ लिया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को निराला उपनाम और सर्वाधिक प्रसिद्ध मतवाला समाचार पत्र से, ये क्या लाइन आ गई, को उपनाम और सर्वाधिक प्रसिद्ध मतवाला, सर्वाधिक प्रसिद्धि मतवाला समाचार पत्र से मिली। बिल्कुल, सूर्यकांत त्रिपाठी को जो निराला उपनाम भी पत्रकारिता से मिला, पत्रकारिता मतलब अच्छी पत्रकारिता करने के कारण, और सर्वाधिक प्रसिद्धि जो है वो मतवाला पत्रिका से मिली थी। सरोज स्मृति को हिंदी साहित्य श्रृंगार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत माना जाता है। अब होता क्या है, मैं बताऊं आपको इस सरोज स्मृति के बारे में। संसार का सबसे बड़ा शोक गीत कहा जाता है इसको, आप जानते ही हैं, सर्वाधिक बड़ा। सरोज स्मृति में कहा जाता है कि वियोग श्रृंगार है, गलत बताते हैं, जो भी बताते हैं ये कि वियोग श्रृंगार है, या जिस भी किताब में लिखा हुआ वो किताब बिल्कुल गलत है, सिरे से खारिज करता हूं कि सरोज स्मृति में नहीं सर, उसमें वो है ना अपनी पत्नी को, कुछ नहीं है उसमें, जो है वात्सल्य है, वात्सल्य है। और वो कौन सा वात्सल्य है? वियोग वात्सल्य। आप जानते हैं
कि वात्सल्य भी तो वियोग और संयोग दोनों होता है। जब बच्चा पास में हो तो माँ का या पिता का जो प्यार है वो संयोग वात्सल्य में आएगा, और उसकी बेटी के प्रति जब वो फीलिंग्स ला रहा है तो आप सोचिए श्रृंगार वियोग श्रृंगार कैसे हो सकता है। वियोग श्रृंगार मान लो प्रेमिका हो या पत्नी हो तब होता है वियोग श्रृंगार, लेकिन यहाँ बेटी के प्रति वो इस प्रकार की भावनाएं लाएगा। आलोचना जरूर हुई थी लेकिन आलोचना में निराला की भावनाएं जो है उन पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है। उन्होंने वियोग वात्सल्य बताया, अपने बच्चे का श्रृंगार देखकर भी आपके मन में जो है भाव उत्पन्न होते हैं लेकिन वो भाव अश्लील नहीं होते या वो भाव काम वासना से पूर्ण कभी भी नहीं होते हैं। तो ये वियोग श्रृंगार वियोग वात्सल्य है, वियोग श्रृंगार उसमें नहीं है। निराला को छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद और तीनों काव्य आंदोलनों का पथ प्रदर्शक माना जाता है। निराला को छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इन तीनों आंदोलन याद क्या माना जाता है, पथ प्रदर्शक माना जाता है। तीनों आंदोलनों का पथ प्रदर्शक माना जाता है, इस बात का ध्यान कि छायावाद का पथ प्रदर्शक कौन है, यही है, प्रगतिवाद का यही, प्रयोगवाद का भी यही। निराला को छायावाद का महेश कहा जाता है, जबकि विष्णु पंत को कहा जाता है, जबकि क्या कहा जाता है, जबकि अपने छायावाद का महेश विष्णु और ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है, है ना। देखो एक चीज और बताऊं, जैसे छायावाद में भी कुछ चीजें जैसे बतानी थी आपको, है ना, जैसे मान लो लघुत्रयी है, लघुत्रयी आपको नहीं बताई, है ना, वृहत्त्रयी जो है मतलब जो तीन बड़े कवि नहीं बताए, चार स्तंभों का अभी तक छायावाद खत्म नहीं हुआ। मैंने आपको पहले भी कहा था छायावाद थोड़ा लंबा चलेगा, अभी तक तो बहुत सी चीजें बतानी बाकी है, अभी तक तो सिर्फ छोटे छोटे क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही सुमित्रानंदन पंत की क्लास छोटी लूंगा, ज्यादा बड़ी नहीं लूंगा, पंत के बाद जब महादेवी वाली क्लास आएगी उसमें मैं आपको छायावाद से जोड़ते हुए वापस लेकर आऊंगा। जयशंकर प्रसाद, निराला, थोड़ी थोड़ी इनकी बातें बताते हुए वापस लेकर आऊंगा। महादेवी वर्मा वाली क्लास आप देखना, बहुत गजब क्लास होगी, और उसमें मैं आपको पीछे का सारा रिवाइज भी करवा दूंगा 5 मिनट के लिए, ठीक है। तो निराला को छायावाद का महेश कहा जाता है। इसके अलावा आपको रचनाएं वगैरह तो सारी जहां तक मैं समझता हूँ, देखो एक बार बैक चलते हैं, रचनाएं मुख्य रचनाएं यहाँ पर आपको मैंने बता दी, फिर भी आप बेला, नए पत्ते, ये नए पत्ते रचना है, ठीक है, और अर्चना, आराधना, गीत गुंस, ये एक रचना और देखो, सांध्य काकली, ये रचना आप सांध्य काली लिखी हुई देखोगे, ये इनकी अंतिम रचना मानी जाती है। ये भी एक थोड़ा विशेष ध्यान रखना, सांध्य काकल जो है ये इनकी अंतिम रचना मान जाती है, क्योंकि 1969 की है ये, कब की है, 1969 की है ये, ये इनकी अंतिम रचना मान जाती है। अनामिका है, अर्चना है, अणिमा आपको बता दी, एक आराधना भी इनकी रचना है, आराधना नोट कर लेना, आराधना भी है, अ नाम से चार रचना, इसलिए आपको बता रहा हूँ, अनामिका है, अणिमा हो गई, अर्चना है, आराधना है, गीत गूंज भी शायद मैंने नहीं लिखी यहाँ पर कहीं पर, तो ये भी आपको मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कौन सी है, गीत गूंज शायद आई नहीं अभी तक, तो एक इनकी गीत गूंज है, आराधना है, इन दोनों को नोट कर लेना, और परिमल है, गीतिका है, बाकी तो नए पत्ते, गीतिका, तुलसीदास, नवाई का, परिमल, ठीक है, हो जाएगी, कुकुर मुत्ता, अणिमा, ओके। इसके अलावा कोई रचना विशेष नहीं रहती, फिर ऐसी कोई बात नहीं रहती, पर मैं आपको बता दूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, कि महादेवी वर्मा वाली जो क्लास है वो विशेष रूप से देखिएगा। क्यों देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको कुछ और थ्योरिकल चीजें बताऊंगा जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी और पंत के बारे में, विशेष इन चार कवियों के बारे में कुछ थ्योरिकल चीजें आपको बतानी है, इनके अद्वैतवाद, रहस्यवाद, जैसे सुमित्रानंदन पंत को लेकर भी जो है, जो क्लास मैं आपको बता दूं, सुमित्रानंदन पंत वाली जो क्लास है वो भी रिकॉर्ड हो चुकी है, वो छोटी सी रिकॉर्ड हुई है, उसमें काफ़ी बातें रह जाएगी, तो आप ऐसा ना सोचें कि सर ने आपने पंत बहुत छोटा पढ़ाया, मैं आपको पहले ही सूचित कर देता हूं, बल्कि मैं आपको महादेवी वर्मा जब करवाऊंगा तो इन कवियों को वापस जोड़ूंगा, इसलिए मैंने कुछ चीज़ें रख दी है, तो इन चारों को, चारों स्तंभों में तुलनात्मक अध्ययन मुझे पढ़ाना है, इसलिए मैंने पहले से प्री प्लान कर रखा है कि किस तरह से आपको क्या बताएं, ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए और आपको सब समझ आ जाए। आप जानता हूं, मैं आपको, मेरे पे विश्वास है, और आप अच्छे से क्लास देखने भी आओगे महादेवी वर्मा वाली, ठीक है। तो अब 1-2 मिनट के लिए आप समय और दें, मैं फिर आपको 2-3 चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें, ताकि ओटीपी आपके पास आए, दूसरे के पास ना जाए, और उसके बाद इसमें स्टोर में जाएं,
कोई भी टेस्ट सीरीज लेने पर आप चाहे सेकंड ग्रेड की लो, फर्स्ट ग्रेड की लो, चाहे संपूर्ण पाठ्यक्रम की लो, तो बहुत बेस्ट है क्योंकि वो हर वैकेंसी में काम आएगी। हो सकता है वैकेंसी 2 साल लग जाए सारी वैकेंसी आने में, ठीक है, एक आ जाए उसका रिजल्ट नहीं आए तो दूसरी आ जाए, फिर तैयारी करो ये लैप्स हो जाए, ऐसा नहीं हो। इसलिए वो संपूर्ण पाठ्यक्रम की टिल एग्जाम, जब तक एग्जाम नहीं हो आपकी कहीं नहीं जाएगी टेस्ट सीरीज, ये मेरा वादा है आपसे, निश्चिंत रहें। जब तक ये एग्जाम जो 2023 वाले जो एग्जाम हैं ये नहीं हो जाए, 2023-24 टेंशन मतलब तुम्हारे दोबारा पैसे नहीं लगेंगे, यूं मान के चलो, तुम विश्वास रखो। दूसरा, नोट्स आप उसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, ये बार बार मैसेज करते हैं सर निकलवा सकते हैं, बिल्कुल आप नोट्स प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, टेस्ट भी होंगे, टेस्ट सीरीज का कोई पेपर आपका प्रिंट नहीं निकलेगा, इस बात को मैं क्लियर कर देता हूं। हम प्रयास कर रहे हैं कि टेस्ट सीरीज में इस बार प्रश्नों के नीचे व्याख्या देने की भी, जब आप प्रश्न पेपर जो भी क्वेश्चन पेपर आया आपने उसको हल करके सबमिट कर दिया, फिर आप उसके सही उत्तर देखो तो उसके नीचे आपको व्याख्या मिले, इसका भी प्रयास मेरे जारी है। तो आप निश्चिंत रहें, मैं आपके लिए जितना बेस्ट हो सकता है वो बेस्ट करने का पूरा मेरा प्रयास है। टेलीग्राम चैनल NDC क्लासेस नाम से है, आप सब जानते ही हैं काफ़ी स्टूडेंट, तो आप ज्वाइन करें। और जो NDC का लिंक है वो भी दोस्तों आप अपने हिंदी के अभ्यर्थियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम इन साहित्य की क्लासेस का मतलब एक वो कहता ना कि माहौल बना सके। और मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैं एक अकेला चल दिया, लोग आते रहे, कारवा बनता गया, तो आप लोगों की आवश्यकता बराबर बनती रहेगी। बढ़िया क्लास है आज भी, और बढ़िया मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे अच्छी लगी। अगली क्लास छोटी रहेगी, आपको पर आनंद आएगा उससे। अगली क्लास वो कहता ना कि 5-7 दिन में जो ज़बरदस्त क्लास आती है वैसी क्लास होगी, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभरात्रि।